बाद लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागरिकता संशोधन कानून पर जागरूक लोगों को कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि CAA नागरिकता देने का कानून है, जिसे लेकर लोग भ्रम में ना रहे। राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुस्लिमों में इस कानून को लेकर गलतफहमी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो CAA से किसी को नुकसान नहीं है, किसी भी तरह के भ्रम में ना रहे, तो लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों को लखनऊ में जागरूक करते हुए ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि CAA नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता छीनने का, जिसे लेकर लोग भ्रम में ना रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुस्लिमों में इस कानून को लेकर गलतफहमी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये देश के हित के लिए है। तो CAA पर देश भर में बीजेपी की तरफ से ये जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर लोगों के बीच पहुंचकर बीजेपी नेता कार्यकर्ता लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और जो भ्रम की स्थिति फिलहाल इस कानून को लेकर बनी हुई है लोगों के बीच, उस भ्रम को दूर करने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में लखनऊ पहुँचने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से इसका कोई राज्य का धर्म नहीं है, यह सेकुलर स्टेट है, पंथ निरपेक्ष राज्य। तो वहां धार्मिक उत्पीड़न जिन लोगों का हो रहा था, यह हुआ कि धार्मिक उत्पीड़न जिन लोगों का हो रहा है कि वह भारतीय मूल के हैं, चाहे वह हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, कोई भी, यदि वह पाकिस्तान, बांग्लादेश अथवा अफगानिस्तान में नहीं रह सकते और उनको भारत में आना उनकी मजबूरी है, तो मानवीय आधार पर यह फैसला किया गया कि उनको नागरिकता दे देनी चाहिए।